डियर लर्नर, आज हम स्प्रिंग बूट के सीरीज का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्प्रिंग बूट. ओके, सो वी कैन से स्प्रिंग बूट इज ए सुपर सेट ऑफ स्प्रिंग फ्रेम एंड बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्प्रिंग फ्रेम. ओके, स्प्रिंग बूट एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सुपरसेट है और स्प्रिंग बूट ये जो फ्रेमवर्क है या ये जो मॉड्यूल है ये स्प्रिंग के फीचर्स को लेके ही बनाया गया है. राइट, जैसे हमने कहा कि स्प्रिंग बूट बिल्ड ऑन टॉप अप ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? मींस वी कैन से स्प्रिंग बूट कंटेन ऑल फीचर ऑफ अ स्प्रिंग as well as a spring boot provide some additional feature to us. मतलब spring boot हमें वो सारे फीचर देता है जो हमें spring framework देता है, plus spring boot हमें कुछ add-on भी फीचर देता है. but spring boot हमें क्या add-on फीचर देता है ये हम आगे वाले जो lectures है उसमें हम discuss करेंगे. okay, so हमारे पास सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई यूज द स्प्रिंग बूट. इफ यू हैव स्प्रिंग फ्रेम, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा. क्वेश्चन क्या है, व्हाई यूज स्प्रिंग बूट इफ यू हैव अ स्प्रिंग फ्रेम. राइट, आप स्प्रिंग बूट यूज क्यों करेंगे अगर आपके पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क है तो? देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं बट गाइस हम कुछ रीजंस यहां पर डिस्कस करें. जैसे सबसे पहला रीजन ये है, स्प्रिंग बूट अ वाइड एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोवाइड एटो कॉन्फ़िगरेशन फैसिलिटी टू अस. स्प्रिंग बूट की बात अगर हम करते हैं तो स्प्रिंग बूट एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को पूरा का पूरा हटा दिया गया है स्प्रिंग बूट के अंदर, और स्प्रिंग बूट के अंदर एक नई फैसिलिटी है जिसे कहते हैं एटो कॉन्फ़िगरेशंस. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे मान लो अगर हम स्प्रिंग जेडीबीसी में काम करते हैं या स्प्रिंग एमवीसी में काम करते हैं, और मान लीजिए अगर आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना अगर होगा तो व्हाट हैपन, हमें ऐसे बिन लिखना पड़ता था, या तो हम एक्सएमएल में ऐसा बिन लिखते थे. यस और नो, और आगे हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था. राइट, डेटा सोर्स डॉट, यहां पे आगे आपको ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स वगैरह ऐसे करना पड़ता है. इसके अंदर हम सारा का सारा बीन कॉन्फ़िगर करते थे, या हमें स्प्रिंग के अंदर जैसे @ अलग से क्लास कॉन्फ़िगरेशन लिख के या सब ऐसे करना पड़ता था, और हमें यहाँ इनबिल्ट बीन कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे. ओके, राइट. बट ये तो स्प्रिंग का हुआ. मतलब देखिए हमने क्या कहा कि स्प्रिंग बूट अवॉइड एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो, एंड प्रोवाइड एटो कॉन्फ़िगरेशन. अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्प्रिंग के अंदर मान लो डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे या तो एक्सएमएल के जरिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था या तो एनोटेशन के जरिए. बट स्प्रिंग बूट का कहना है कि आप ये कोड मत लिखिए, ये मैं ऑटोमेटिक मैनेज करूंगा. मैं आपको जस्ट एक फाइल देता हूं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, आप इसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा. मतलब ये जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हम जो करते हैं ये हमें करने की जरूरत नहीं है, एक बेनिफिट है. दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिलता है स्प्रिंग बूट का, स्प्रिंग बूट प्रोवाइड एम्बेड सर्वर टू अस. स्प्रिंग बूट प्रोवाइड एम्बेड सर्वर टू अस, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है मींस व्हेन वी develop the Spring Boot application, we get inbuilt server
इन स्प्रिंग बूट आया. वी नॉट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सर्वर मैन्युअली लाइक एट स्प्रिंग MVC. जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर हम स्प्रिंग बूट की बात करते हैं तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें एम्बेड सर्वर मिल रहा है. मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम स्प्रिंग MVC की बात करते हैं तो स्प्रिंग MVC में जब हमने एप्लीकेशन डेवलप किया था तब हमें टॉमकैट सर्वर को एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ता था, एज वेल एज हमें टॉमकैट सर्वर को एक्सटर्नली कॉन्फिगर करना पड़ता था आपके एप्लीकेशन के साथ. बट अगर हम स्प्रिंग बूट की बात करते हैं तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें इनबिल्ट टॉमकैट मिलता है. जैसे भी आप स्प्रिंग बूट बना रहे हो वैसे ही इनबिल्ट टॉमकैट आपको मिलता है, आपको एक्सटर्नली टॉमकैट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. ये भी एक बेनिफिट है. ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकली जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तब बताता हूँ, बट ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट और नॉट, मतलब स्प्रिंग बूट के साथ हमें एम्बेड सर्वर मिलता है. इसीलिए बहुत बार अगर आप गूगल करते हैं तो आपको स्प्रिंग बूट का एक डेफिनेशन मिलता है. देखिए स्प्रिंग बूट का डेफिनेशन शॉर्ट क्या है, स्प्रिंग बूट इक्वल्स, राइट, स्प्रिंग बूट इक्वल्स स्प्रिंग फ्रेमवर्क माइनस XML कॉन्फ़िगरेशन प्लस एम्बेड सर्वर. ये भी है, मतलब स्प्रिंग बूट का डेफिनेशन आप गूगल कीजिए आपको ये मिलेगा कि स्प्रिंग बूट कुछ नहीं है, स्प्रिंग बूट एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क है कि जिसके अंदर XML कॉन्फ़िगरेशन हटाए गए हैं और जिसके अंदर रेडीमेड टॉमकैट मिलता है, हम उसे स्प्रिंग बूट भी कह सकते हैं. मतलब देखिए स्प्रिंग बूट के दो फीचर्स तो अभी हमने देखे कि स्प्रिंग बूट के अंदर XML कॉन्फ़िगरेशन को हटाया गया है और स्प्रिंग बूट के अंदर जो भी हम स्प्रिंग बूट का जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें इनबिल्ट सर्वर मिलता है. ओके, देन थर्ड पॉइंट है स्प्रिंग बूट प्रोवाइडर इन मेमोरी डेटाबेस कॉन्सेप्ट टूल्स फॉर एप्लीकेशन टेस्टिंग पर्पस. जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन मेमोरी डेटाबेस. मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी देखिए हम कंपैरेटिवली करेंगे गाइस तो आपको समझेगा. मान लो अगर हम स्प्रिंग जेडीबीसी करते हैं, एक एग्जांपल अभी हम पीछे जा रहे हैं, अगर हम स्प्रिंग जेडीबीसी करते हैं और मुझे मेरा एप्लीकेशन डीबी के साथ कनेक्ट करना अगर होगा, ओके, तो हमें एक्सटर्नल डेटाबेस लगता है, लाइक एज हमें MySQL इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं तो हमें Oracle इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई तो भी एक फायदा डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और हमारा एप्लीकेशन कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट. बट स्प्रिंग बूट ने हमें बहुत अच्छे से एक फैसिलिटी दी है. क्या फैसिलिटी दी है कि स्प्रिंग बूट कहता है अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल डेटाबेस का टूल नहीं है तो भी आपका एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है आप टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन मेमोरी डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स. ओके, मतलब ये भी एक है. हाँ जरूर, अगर आपको लगता है एक्चुअल काम करना है तो यस, आपके स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के साथ एक्सटर्नल डेटाबेस कॉन्फिगर कर सकते हैं. बट अगर आपके पास एक्सटर्नल डेटाबेस नहीं भी है तो भी आप स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन डीबी के साथ वर्क कर सकते हैं. उसके लिए हमें मिला है इन मेमोरी डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स. ये भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है स्प्रिंग बूट का. उसके बाद जैसे स्प्रिंग बूट का और एक बहुत बेनिफिट मिलता है हमें, स्प्रिंग बूट प्रोवाइडर कॉम्पैक्टेबल एनोटेशन टू अस, कॉम्पैक्टेबल एनोटेशन टू अस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्टेबल एनोटेशन. देखिए स्प्रिंग बूट के अंदर हमें कॉम्पैक्टेबल एनोटेशन मिलते हैं. मतलब क्या है इसका, मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, कि जैसे कि स्प्रिंग बूट प्रोवाइड सम एनोटेशन टू अस विच कंटेन एन नंबर ऑफ एनोटेशंस और अ सिंगल स्प्रिंग बूट एनोटेशन राइट वर्क एज मल्टीपल एनोटेशन इन अ स्प्रिंग बूट, मल्टीपल एनोटेशन ऑफ स्प्रिंग. इसका मतलब क्या है, देखिए स्प्रिंग बूट प्रोवाइड कॉम्पैक्टेबल एनोटेशन फीचर टू अस. जैसे कि अगर हम स्प्रिंग बूट के अंदर एक एनोटेशन यूज करते हैं तो एक एनोटेशन स्प्रिंग बूट का मल्टीपल एनोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, मान लो कि स्प्रिंग बूट के अंदर हमें एक एनोटेशन मिलता है,
जैसे स्प्रिंग बूट में हमें एक एनोटेशन मिलता है रेस्ट कंट्रोलर नाम की एनोटेशन। आपको बताइए रेस्ट कंट्रोलर का काम है रेस्टफुल एपीआई बनाना, बट यही काम अगर हम स्प्रिंग एमवीसी में करते हैं, देखिए यही काम अगर हम स्प्रिंग एमवीसी में करते हैं गाइस, तो हमें दो एनोटेशन यूज करने पड़ेंगे, जैसे एट द रेट कंट्रोलर और एट द रेट रिस्पॉन्स बॉड। तो स्प्रिंग बूट का काम कहना है कि यार आप ये दो अलग अलग एनोटेशन मत यूज कीजिए, मैं आपको एक ही एनोटेशन देता हूं रेस्ट कंट्रोलर की, जो इन दो एनोटेशन के बराबर काम करता है। मतलब देखिए इसने इन दो एनोटेशन का मीनिंग एक एनोटेशन ही किया है, मतलब कॉम्पैक्ट किया है, इसीलिए हमने इसको ऐसे कहा। या एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग बूट का एनोटेशन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नाम की एनोटेशन, हम आगे डिटेल में देखेंगे। अगर आप इस एनोटेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एनोटेशन अलग अलग तीन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है। अगर आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट में करते हैं, तो अगर आप यही काम स्प्रिंग एमवीसी में करते हैं, तो आपको तीन एनोटेशन यूज करने पड़ते हैं, एट द रेट कॉन्फिगरेशन, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन एंड एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फिगरेशन। ऐसे तीन अलग अलग एनोटेशन का कॉम्बिनेशन करके आपको एक एनोटेशन मिलता है। मतलब स्प्रिंग बूट का कहना है कि आप एक अकेला एनोटेशन यूज कीजिए, आपको इन तीनों का काम मिलेगा। मतलब इसने एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी की है कि मिनिमम एनोटेशन के अंदर मैक्सिमम फैसिलिटी देने का काम किया है, ये भी बेनिफिट है स्प्रिंग बूट का। उसके बाद में अगर आप आते हैं, देखिए फिफ्थ बेनिफिट बहुत है, जैसे कि स्प्रिंग बूट प्रोवाइड अ प्रोडक्शन रेडी फीचर लाइक एस हेल्थ चेकिंग मेट्राइसेस एटसेट्रा। देखिए स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो प्रोडक्शन रेडी सारे फीचर है, लाइक एज की जैसे कि हेल्थ चेकिंग मेट्राइसेस बहुत सारे हैं, लाइक एज की मुझे देखना है कि मेरे एप्लीकेशन बनने के बाद यस और नो, कि मुझे मेरे एप्लीकेशन में मेरा हिप कितना यूज हो रहा है, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज हैं कि जिनके लिए स्प्रिंग बूट ने हमें अलग अलग एपीआई दिए हैं, राइट। मतलब हमें एक्सटर्नल टूल लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यहां पे आते हैं कि स्प्रिंग बूट प्रोवाइडर बेटर फॉर्म मैनेजमेंट और बेटर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन फॉर्म एक्सएमएल यूजिंग अ स्प्रिंग स्टार्टर कॉन्सेप्ट। देखिए अब ये वाला क्या है, जैसे स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग स्टार्टर नाम के कॉन्सेप्ट आई है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुअली एक मैवेन डिपेंडेंसी का ही टाइप है। या स्टार्टर डिपेंडेंसी की बात अगर हम करेंगे गाइस, तो एक स्पेशल टाइप की मैवेन डिपेंडेंसीज होती है जो फॉर्म एक्सएमएल को अच्छे से मैनेज करती है। बट अगर गाइस, अगर ये स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चीज को आपको कितना भी एक्सप्लेन करूं तो अभी समझ में नहीं आएगा, तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है या जो भी टॉपिक्स है, हम जब आगे प्रैक्टिकली हमारे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। इवन अगर हम यहां आते हैं तो स्प्रिंग बूट कैन डेवलप any kind of applications like as spring boot can develop any kind of application like as jaise spring boot ki baat agar hum karte hain to spring boot ke zariye hum alag alag kisi bhi category ke application develop kar sakte hain, jaise ki sabse pehle aap number 1 standalone application bana sakte hain, uske baad web application bana sakte hain, uske baad distributed application bana sakte hain, उसके बाद एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसके बाद आप स्प्रिंग बूट के जरिए माइक्रो सर्विसेस आर्किटेक्चर को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आप स्प्रिंग बूट के जरिए बना सकते हो। मतलब स्प्रिंग बूट अगर आप करते हैं तो आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, स्प्रिंग बूट की बात अगर हम करेंगे तो स्प्रिंग बूट में हमें बहुत यन नंबर ऑफ फीचर मिलते हैं, बट अभी अगर हम इन सारे फीचर को थ्योरेटिकली कितना भी डिस्कस करेंगे तो हमें वो समझ में नहीं आएगा। तो इस सीरीज में जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे हर एक फीचर को, हम स्प्रिंग बूट के इनडेप्थ देखेंगे प्रैक्टिकली, बट इनिशियली ये 2 से 3 लेक्चर्स हमें थ्योरेटिकली ही लेने हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें समझने के लिए कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इनिशियली 3 से 4 वीडियो थ्योरेटिकल रहेंगे। आप थोड़ा सा एडजस्ट करें,
बट जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको इस हर एक थियोरेटिकल स्टेटमेंट का मीनिंग मैं प्रोजेक्ट के अंदर प्रैक्टिकली बताऊंगा. ओके, थैंक यू. थैंक यू.